आज सुबह सुबह सलाह दी थी आदरणीय मनमोहन सिंह जी को, जब आप गरीबी दूर कर नहीं सकते, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार दूर कर नहीं सकते, मैंने कहा खुद ही सत्ता से दूर हो जाओ ना, अब सिंहासन पर क्यों बैठे हो, हमारे साथ आके आसन करो। अच्छा बच्चों ये बताओ कि आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का? तो आपको जो 35 रुपए का पेट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले को? अच्छा आपको आज गैस सिलेंडर सब्सिडी के बावजूद 425 का और सब्सिडी के बिना जो है 1200 रुपए का मिलता है, यदि आपको गैस का सिलेंडर 300 या 400 रुपए का मिले उसको वोट करोगे या 1200 रुपए का देने वालों को? अभी जो टैक्स लग रहा है 50%, वो 1% पे आएगा, तो प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। अरे इतना अर्थशास्त्र तो हम नहीं पढ़ रखा राजू जी, एक बार सुनो। आप लोगों को पेट्रोल सस्ता मिलेगा, डीजल सस्ता मिलेगा, गैस सस्ती मिलेगी, साबुन, शैंपू, टूथपेस्ट सस्ता मिलेगा, इस पे 12% टैक्स होता है। कुछ लोग इस देश में झूठ बोलने का ठेका ले रखा है कि 3 से 5 करोड़ लोग टैक्स देते हैं, बाकी इस देश के 120 करोड़ लोग टैक्स ही नहीं देते। आप लोग साबुन खरीदते हो, टूथपेस्ट खरीदते हो, बिस्किट खरीदते हो, उस पर टैक्स लगता है कि नहीं? कितना परसेंट लगता है? 12% कम से कम। तो कौन कहता है हिंदुस्तान के आदमी टैक्स नहीं देते? तो हम तो कहते हैं ये टैक्स भी नहीं देने पड़ेंगे, जो आज टैक्स देने पड़ रहे हैं ये भी देने देने पड़ेंगे, और बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स भी गरीब को, किसान को नहीं देना पड़ेगा, और जो हमारी अर्थव्यवस्था से जो बाहर पैसा पड़ा है जो करीब 10 लाख करोड़ रुपए भरी 500,000 की करेंसी में, और इसके अलावा भी जो और मैंने कहा करीब 9 लाख करोड़ रुपए कंपनियों का रिजर्व पड़ा, वो लगाने नहीं चाहते क्योंकि टैक्स सिस्टम। मंत्री जी ने पूरी दुनिया के लोगों के सामने कहा मैं इस देश से महंगाई को खत्म नहीं कर पाया, मैं देश में बेरोजगारी और गरीबी पर काबू नहीं कर पाया, मैं भ्रष्टाचार और काले धन पर अंकुश नहीं लगा पाया। इसलिए मैं कहता हूं जब वजीर को समाधान नहीं सूझता तो फकीर को आना पड़ता है, और तर्क तथ्य प्रमाण के साथ अपनी बात कह रहा हूं। कितना खिल खिला रहे दोनों, व्हाट अ पेयर है। फ्रेंड्स हु आर सो गुड टॉकिंग विद सच एनर्जेटिंग वर्कर्स गिव्स मी ऑल्सो फ्रेश एनर्जी, थैंक यू, वणक्कम। वी नीड टू कन्विंस पीपल इफ दे आर कंफ्यूज और मिस इन्फॉर्म्ड।